इंडोनेशिया से पाम तेल की सप्लाई बढ़ने के कारण भारतीय बाजारों में तेलों की उपलब्धता बढ़ती जा रही है, जिससे बाजारों में तेलों के दाम टूटने के कारण बढ़ती महंगाई से उपभोक्ताओं को कुछ राहत की सांस मिली है। पिछले 7 दिन में इंदौर थोक बाजार में सोयाबीन तेल के दाम करीब 100 रुपए प्रति 10 किलो पर और 10 रुपए प्रति किलो की गिरावट आ चुकी है। 12 जून को सोयाबीन तेल इंदौर 1510 से 1520 रुपए प्रति 10 किलो बिक रहा था, जो 18 जून तक घटकर 1410 रुपए से 1420 रुपए प्रति 10 किलो रह गया। वहीं दूसरी ओर सोयाबीन की आवक भी मंडियों में बढ़ने के कारण इसके दाम भी लगातार टूट रहे हैं। प्लांटों की खरीदी सोयाबीन के दाम नीचे में 6600, ऊपर में 6650 रुपए प्रति क्विंटल रह गए। इन दामों पर भी व्यापार कुछ कमजोर ही है। वहीं USDA की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में अगले सीजन सोयाबीन उत्पादन 4000 लाख टन के करीब होने का अनुमान है, जो अभी तक का सबसे ज्यादा होगा। नई फसल इस साल से 434 लाख टन ज्यादा होगी। वहीं ब्राजील, अर्जेंटीना और पैराग्वे की फसल 2100 लाख टन रहने का अनुमान है, जो इस साल 1736 लाख क्विंटल हुई है। 4 साल बाद विश्व में सीजन में अंत में सोयाबीन का स्टॉक 10 करोड़ टन से ज्यादा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।